और खास खबर के साथ दिल्ली से बता दें, कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगेगी। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक जारी है, करीब 80 सीटों और सिटिंग एमएलए को मिल सकती है टिकट। हारी हुई सीटों और वरिष्ठ नेताओं को मिलेगा दोबारा मौका। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी बैठक में मौजूद है, पूर्व मंत्री ओमकार से मरकाम भी बैठक में मौजूद है। तो दिल्ली में कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन किया जा रहा है। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक लगातार चल रही है, जिसमें प्रत्याशियों और टिकटों को लेकर लगातार अब कांग्रेस रणनीति बना रही है, मंथन कर रही है। तो आपको जानकारी दे दे, वहीं करीब 80 सीटों और सिटिंग एमएलए को टिकट मिल सकती है और अब जल्द ही कांग्रेस भी अपने पत्ते खोलने वाली है। हारी हुई सीटों और वरिष्ठ नेताओं को दोबारा मौका दिया जाएगा। चलिए बड़ा अपडेट दे दें, बैठक शुरू हो गई है और अब बैठक में प्रत्याशियों के नामों को लेकर टिकट को लेकर मंथन किया जाएगा। पीसीसी चीफ कमलनाथ इस बैठक में मौजूद है। तो बात कर ले, पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम भी इस बैठक में मौजूद है। पांच राज्यों के चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों को लेकर अब यहां बैठक में मंथन किया जाएगा। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, और अब जल्द ही कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों का इस बैठक के बाद ऐलान कर सकती है, अपने पत्ते खोल सकती है। लगातार कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है, हम देख रहे हैं, और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, बैठक शुरू हो गई है और अब इसमें टिकटों को लेकर हारी हुई सीटों और वरिष्ठ नेताओं को दोबारा मौका दिया जाएगा, ये खबर सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल, कांग्रेस चाहती है कि इस बार सत्ता में वापसी आए और एक बड़े बहुमत के साथ आए। यही कारण है कि लगातार हम देख रहे हैं, अलग अलग सर्वे और समीक्षा के बाद ही, स्क्रीनिंग कमेटी के बैठकों के बाद ही उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगाई जा रही है। खासतौर से आज केंद्रीय इलेक्शन कमेटी ने, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें खासतौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी के सहित जो मध्य प्रदेश के इकलौते नेता है, वो सीडब्ल्यूसीईडीसी की बैठक में है, ओमकार सिंह मरकाम, तमाम जो नेता है मंथन करेंगे। और खासतौर से माना जा रहा है कि करीब 95 विधायक कांग्रेस के हैं, उनमें से 80 सिटिंग एमएलए को रिपीट कर सकती है, और कुछ जो विधायक हैं उनकी यदि रिपोर्ट खराब है तो उनको एक मौका दिया जा रहा है। उनको लेकर 11 तारीख को एक बार फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें जो तीसरे चौथे नंबर का सर्वे चल रहा है उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। उसके अलावा 12 से 15 वो वरिष्ठ नेता हैं जो पिछली बार चुनाव हार गए थे, जिनमें खास तौर से नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह हो, अरुण यादव हो, रामनिवास रावत हो, सुरेंद्र चौधरी हो, तमाम संजय मुकेश नायक हो, ऐसे विधायक हो, पूर्व विधायक, उन्हें टिकट देने के ऊपर भी मोहर लग सकती है। इसके साथ ही 66 सीटों पर लगातार सर्वे हो चुका है, अलग अलग बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, उनमें भी करीब माना जा रहा है 50 से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशियों के सिंगल नामों का पैनल बनाया गया है। तो जहां पर सबसे पहले सिंगल नामों का पैनल है, उनको उम्मीदवारों को घोषित किया सकता है। इसके साथ ही अन्य सीटों की बात करें तो जहां पर खासतौर से 12 से 15 नेता जो भारतीय जनता पार्टी से आए थे, उन पर भी सर्वे चल रहा है, जिनको लेकर 11 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, उसमें उनके नामों पर चर्चा की जाएगी। तो कुल मिलाकर बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, देखना होगा कितनी लंबी बैठक चलेगी, क्योंकि मध्यप्रदेश के साथ ही राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, सभी चारों राज्यों के पदाधिकारियों के साथ आज बैठक होना है। तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, और माना जा रहा है कि सिंगल नामों का जो पैनल है या जो हारे हुए नेता हैं, उनसे करीब 150 सीटों पर आज अंतिम मोहर लग सकती है। संस्कृति, निश्चित रूप से बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक है और देखना होगा कब तक ये बैठक चलेगी, लेकिन लगातार हम अपडेट अपने बंसल के दर्शकों को पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत के लिए सूरज।